हेलो एंड वेलकम फ्रेंड, मेरा नाम है करण और आप सभी का मेरे यूट्यूब के चैनल पर स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि फ्रेंड्स आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि फ्रेंड्स आप अपने इंस्टाग्राम पर जो भी स्टोरी लगाते हैं तो आप उस स्टोरी को अपने हाईलाइट में कैसे बदल सकते हैं, उसको कैसे चेंज कर सकते हैं। चलिए आज की वीडियो में मैं आपको बता सकता हूँ। अगर फ्रेंड्स आपने कोई भी स्टोरी डाली है तो आप उस स्टोरी को हाईलाइट में चेंज कर पाएंगे, और आप ये कैसे कर सकते हैं चलिए आज की वीडियो में आपको बता देता हूँ। आपको सबसे पहले करना क्या है, आपको अपने मोबाइल फ़ोन में इंस्टाग्राम को कर लेना है ओपन। तो आप देख सकते हैं मैंने इंस्टाग्राम को यहाँ पर ओपन कर लिया है। इंस्टाग्राम को ओपन कर देने के बाद आपको यहाँ पर कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाता है। अब फ्रेंड्स, आपने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर जो भी स्टोरी लगाई हुई है आपको उसको अपने प्रोफाइल में जाके ओपन कर लेनी। तो क्या करता हूँ मैं, अपने यहाँ पर प्रोफाइल को कर लेता हूँ ओपन। तो देख सकते हैं मैंने इस वाली स्टोरी को अपनी इंस्टाग्राम अकाउंट पर लगाया हुआ है। अब फ्रेंड्स मुझे करना क्या है, इस स्टोरी को मुझे हाईलाइट में चेंज करना है। तो आपको करना क्या है, आपको नीचे देख सकते हैं चार ऑप्शन देखने को मिल रहा है, एक फेसबुक का, दूसरा मिल रहा है हाईलाइट का। आपको हाईलाइट के ऑप्शन पर करना है क्लिक। जैसे ही आप हाईलाइट के ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं तो फ्रेंड्स आपने अपने इंस्टाग्राम में शुरू से जब तक अभी तक आपने जो जो हाईलाइट्स की होगी वो आपको यहाँ पर शो कर जाएंगी। अब आपको करना क्या, आपको यहाँ पर आगे की तरफ आना है और आपको यहाँ पर एक प्लस का आइकन देखने को मिल रहा है। देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है प्लस और उसके जस्ट नीचे लिखा है न्यू। तो आपको करना है इस पर क्लिक। जैसे इस पर क्लिक करेंगे अब फ्रेंड्स आपको इस हाईलाइट का जो भी नाम देना है आप उसे इसका नाम दे सकते हैं। जैसे मुझे यहाँ पे कुछ नाम देना है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे कोई इमोजी डाल देता हूँ, देख सकते हैं मैंने यहाँ पे हार्ट वाली इमोजी डाल दी है। हार्ट वाली इमोजी डाल देने के बाद आप जैसे ही ऐड के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, मैं ऐड के ऑप्शन पर क्लिक करूँगा, देख सकते हैं मैंने इसको ऐड पर जैसे ही क्लिक करूँगा, देख सकते हैं यहाँ पे लिख के आ गया एडिट टू। मतलब जो मैंने अपने इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगाई है अब वो मेरी यहाँ से हाईलाइट हो चुकी है। आप ऐसी ही बड़ी आसानी से इंस्टाग्राम की किसी भी स्टोरी को हाईलाइट में चेंज कर सकते हैं।